वहां तक तो ठीक था कि एक्सीडेंट हुआ, ये चलो ठीक है रोड पे होता है, बट उसके बाद जो हुआ ना वो सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते गाइस। बस सबने डिसीजन दे दिया कि ये सुपर बाइकर है, इसकी गलती है, इसने ठोका, इसको मारो। ट्रस्ट मी, एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार वो एक्सीडेंट से तो मुझे कुछ हुआ नहीं, बट अगर ये लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते तो ज़रूर मेरी डेथ हो जाती थी वहाँ। भाई हम सुपर बाइक्स चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा अगर एक्सीडेंट होगा तो आप लोग हमें ही दोषी ठहराओ और हमें ही आप मारने की कोशिश करो। तो हेलमेट पीछे से आगे तक स्क्रैच्ड है, अगर हेलमेट नहीं होता ना गाइस तो वो जो स्क्रैचेस होते थे, वो जो मार्क्स होते थे, वो मेरे फेस पे होते थे। सो फाइनली क्लोजिंग द डोर्स, मिलते हैं अभी वापस से, बाय बाय। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग, एंड थंबनेल एंड टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो यस, आज से करीब 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एंड जो पिछला वाला व्लॉग आपने देखा है दैट इज ऑल्सो 2 मंथ्स ओल्ड व्लॉग। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो टाइम पे ना मैं क्या कर रहा था कि मैं 8-9 व्लॉग्स आगे चल रहा था, मैंने 8-9 व्लॉग शेड्यूल करके रखे थे क्योंकि आई डेंट वॉन्ट कि अपना जो फ्लो है वो ब्रेक हो। आई वॉन्टेड कि हर वेनर्सडे एंड हर संडे अपना एक एक वीडियो आए, तो आई वॉज प्लानिंग दैट वीडियो, एंड मैं पहले से ही वीडियोज बना के रख रहा था जिससे कि अपना वेनर्सडे एंड संडे वाला जो व्लॉग का शेड्यूलिंग है वो बरकरार रहे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि उस दिन हुआ था कि उस दिन आई थी कावासाकी पुणे की सर्विस टीम, तो अपन ने अपने बाइक का सर्विस कराया था, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराया था, कुछ इश्यू आ रहा था अपने बाइक में तो वो अपन ने सब कुछ ठीक कराया था। एंड उस दिन हुआ क्या कि अपने जालना के जो बाइकर्स है वो भी आए थे। जालना के बाइकर्स जब इतने दूर से आए थे तो ऐसा प्लान बना कि यार चलो इतना दूर से आए हैं तो एक साथ में राइड तो बनती है ना गाइस। तो उस दिन ऐसा हुआ कि फिर हमने राइड प्लान की, तो राइड प्लान हुई थी NH-52 की, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा सोलापुर धुलिया हाईवे। सो वो टाइम पे हमारे साथ थी एक हायाबूसा, एक जिक्सर 600, 3 Z800, एक Z900 एंड एक अपनी कावासा की ZX-10R। तो हुआ ऐसा कि राइड वॉज गोइंग स्मूथ, बहुत अच्छे से राइड हुई। सोलापुर धुले हाईवे पे हम गए, एक पॉइंट तक हमने अच्छी खासी राइड करी, बट एक जगह पे ऐसा हुआ जैसे आप लोगों ने व्लॉग में भी देखा होगा और मैंने व्लॉग में भी बोला होगा कि सामने बारिश चालू थी, मतलब ऐसा दिख रहा था कि सामने रास्ता गीला है, तो हमने क्या किया कि वहां से यू टर्न लिया। सो जिधर से यू टर्न लिया उसके आगे बारिश चालू थी, क्योंकि आई डिडंट वांट कि मैं गीला हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी रेन गियर्स कुछ भी कैरी नहीं किया था, मेरे पास कैमरा वगैरह था, तो आई डिडंट वांटेड टू रिस्क। तो हमने वहां से क्या किया कि यू टर्न लिया और कुछ थोड़े से दूर पे हमने बाइक्स खड़ी की फॉर थंबनेल, थोड़ा फोटोज एंड रील्स वगैरह खींचने के लिए हमने बाइक वहां पे खड़ी की। वहां पे बहुत अच्छा रिएक्शन मिला हमको, बहुत अच्छे से उधर सब कुछ शूट वगैरह सब अच्छे से हुआ, वहां तक राइड बहुत ही अच्छी चल रही थी। उधर से क्या हुआ कि उधर से जब हम निकले तो एक्चुअली ऐसा सीन था कि जालना वाले जो भाई थे वो डायरेक्टली वहाँ से जालना निकलने वाले थे, एंड बाकी के हम जो थे वापस जाने वाले थे संभाजीनगर की साइड पे। तो हुआ क्या कि वहाँ से हम निकले तो जालना वाले जो भाई है वो भी भगा के गए, हायाबूसा वाले भाई और मोहसिन भाई भी भगा के सामने गए, बस सलमान भाई जो थे वो अपने पीछे स्लो चल रहे थे। तो ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद ना मुझे मिरर में सलमान भाई दिखने बंद हो गए, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है आगे जो गए हैं उनको जाने देता हूँ, मैं सलमान भाई के लिए थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरी एक आदत है अगर मेरे साथ कोई राइडर चल रहा है और वो अगर मिरर में नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ कि भाई उसको वापस से आने दो अपने पास में, फिर साथ में हम जाएंगे। क्योंकि क्या है कि अगर पीछे के पीछे किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो नहीं समझता है, तो ऐसे टाइम पर मेरा एक रूल है कि अगर मेरे साथ का को राइडर अगर मेरे मिरर में नहीं दिख रहा है मुझे तो मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ। तो ऐसे ही हुआ कि सलमान भाई नहीं दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया कि क्रूज कंट्रोल पे बाइक रख दी, एंड आई वॉज क्रूजिंग अराउंड 50-60 का स्पीड कि तब तक सलमान भाई थोड़ा बहुत पुल करके सामने आ जाएंगे। बट हुआ क्या कि 5-6 मिनट हो गए थे और सलमान भाई अभी तक आए नहीं थे, एंड एक बात बता दूं आपको कि सुपर बाइकिंग में 5-6 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बाइक्स का इतना स्पीड होता है ना कि 5-6 मिनट में अच्छा खासा कवर करके बंदा वापस से साथ में आ जाता है। तो जब वो इतना टाइम होने के बावजूद जब सलमान भाई वहाँ पे नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही मिसजज कर रहा हूँ, एंड सलमान भाई शायद से आगे होंगे और पीछे नहीं है। तो मैंने क्या किया कि क्रूज कंट्रोल ऑफ किया एंड आई स्टार्टेड टू पुल थोड़ा सा, बट इतना ज्यादा मैंने पुल नहीं किया, मैं आई वॉज ऑन अ 6th गियर और मैं ज्यादा से ज्यादा गया हूंगा आई थिंक अराउंड 110। तो एक क्लिप मैं अभी दिखाने वाला हूँ जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें आप देखना कि मेरे सामने पूरा रास्ता खाली था, एंड मिरर में भी देखना कि मेरे पीछे भी बहुत दूर दूर तक कोई भी बाइक कार कुछ भी नहीं था। तो भी आई वॉज नॉट इन दैट हाई स्पीड,
बट हुआ ऐसा कि मैं सिक्स गियर पे था, अराउंड 110 की स्पीड थी मेरी, एंड लेफ्ट साइड में एक बुलेट वाले भाई खड़े थे. ही वॉज नॉट इवन स्टार्टेड, सो ही वॉज स्टैंडिंग. बट जैसे ही मैं पास में पहुंचा ना, वो थोड़ा सा सामने आए, और वो जैसे सामने आए ना, मैंने हॉर्न भी दबाया, बट ही सॉ इट ऑल्सो. मेरे पास क्लिप है, ही सॉ इट ऑल्सो एंड स्टिल ही केम फॉरवर्ड. देखो क्या है ना कि एक हाईवे है, हाईवे पे आप अगर क्रॉस करने वाले हो तो आपका ये काम बनता है कि आप देखो कि वो हाईवे पे कोई बाइक कार कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है. आप ऐसे ही बिना देखे आप ऐसे नहीं घुस सकते, वो भी हाईवे पे. और सेम हुआ कि उन्होंने नहीं देखा, मैंने हॉर्न बजाया, और हॉर्न तो जाने दो यार गाइस, अपने आपको पता है कि अपनी बाइक कितनी लाउड है, एक एक किलोमीटर दूर से अपने बाइक का साउंड आता है. उतना तो पता चल ही गया होगा कि यार कोई बाइक वहां से आ रही है. देखो नॉर्मल बाइक होती ना तो मैं मानता भी था, बट यार सुपर बाइक तो यार दूर दूर से पता चलता है यार लोगों को कि यार बाइक आ रही है. इसके लिए तो रिएक्शंस मिलते हैं ना गाइस साउंड के. बट पता नहीं उनका क्या था, बट वो इंस्टेंटली एकदम से हाईवे पे, आई वॉज ऑन अ राइट लेन जो फास्ट लेन होती है, और उसमें वो डायरेक्टली मैं से चल रहा हूँ, एंड ही केम इन बिटवीन. और रिएक्शन टाइम इतना स्लो था ना, देखो कावासाकी ZX10R की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, एंड मैं उतना प्रो भी नहीं हूँ, बट स्टिल विद इन आई थिंक 2-3 सेकेंड्स मैंने 110 से आई केम डायरेक्टली टू 60. बट उतना ज़्यादा रिएक्शन टाइम मेरे पास था नहीं, इसके लिए वो क्या हुआ कि 60 के बावजूद कोलाइड हो गए. बट लकीली मैंने क्या किया कि उनके पैर पे नहीं डालते हुए मैंने क्या किया कि सामने के टायर पे डाला उनके, जिससे कि मैंने उनको बचाने की कोशिश की. बट जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और जैसे मैं गिरा, वहाँ तक तो ठीक था कि एक्सीडेंट हुआ, ये चलो ठीक है रोड पे होता है, बट उसके बाद जो हुआ ना वो सोच के आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते गाइस. उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं गिरा, मुझे अभी भी याद है कि मेरा हाथ ऐसा ऊपर हो गया था, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग माई हैंड, सो आई वॉज सो वरीड कि भाई मेरा हाथ गया. एंड उतने में क्या हुआ कि एक कोई भाई आया, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप चलो साइड में चलो, तो मैं उनके साथ साइड में गया. वो टाइम पे मुझे पता नहीं बिल्कुल भी कि सामने वाले को कितना लगा है, मेरी बाइक किधर है क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता. आई वॉज लिटरली, मतलब मेरे को कुछ सेंस नहीं हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे आँखें बंद हो रही है. एंड वो भाई मेरे को जब साइड में लेके गए, उसके बाद जो हुआ ना गाइस वो बहुत खराब हुआ मेरे साथ. एंड ऐसा हुआ कि वो गांव के जितने भी लोग थे सारे जमा हो गए, किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है पहले जान ले, बस सबने डिसीजन दे दिया कि ये सुपर बाइकर है, इसकी गलती है, इसने ठोका, इसको मारो. आधे जन उसमें बोल रहे थे कि ये पिया हुआ है, इसने पी के गाड़ी चलाया और इसने पी के ठोका. आधे लोग बोल रहे थे कि ये 200 की स्पीड में है, ये 300 की स्पीड में है, एंड इसने आके ठोका. एंड लोग बस मारने की कोशिश कर रहे थे, एंड लोग बस मुझे इधर खींच रहे हैं उधर खींच रहे हैं. उधर की जो पब्लिक थी, गांव के जो लोग थे, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गांव के हर एक जन खराब होते हैं, बट यार जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ दैट वाज सो बैड गाइस, सो बैड. आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मेरे साथ ये सब होगा. मैंने लकीली सलमान भाई को कॉल किया, मुझे लगा कि वो पीछे तो वो जल्दी आ पाएंगे मेरे पास, तो मैंने सलमान भाई को कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और वो आने तक इतना वर्स्ट टाइम था ना मेरे लिए गाइज. आई कैन नॉट टेल यू कि वो एक्सीडेंट का इतना ट्रॉमा नहीं था जितना वो लोग वहाँ जमा हो गए थे, और जो लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे थे ना वो मुझे उतना ट्रॉमा दे रहा था. ट्रस्ट मी, एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार वो एक्सीडेंट से तो मुझे कुछ हुआ नहीं, बट अगर ये लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते तो ज़रूर मेरी डेथ हो जाती थी वहाँ. सो इतने लेवल का वो चीज़ हुआ था. तो जैसे मैं गिरा ना, तो मेरा जो कैमरा था वो माउंट टूट के कैमरा गिर गया. एक क्लिप मैं वापस ऐड करूँगा जिसमें
एक कोई तो भी है उधर के गांव के, उन्होंने क्या किया कि वो कैमरा पिक किया एंड उन्होंने बाद में वो कैमरा पॉकेट में रख लिया। वो तो लकीली मुस्तकीम भाई ने जब पूछा उधर कि भाई किसी के पास कैमरा है, तो वो भाई ने दे दिया एंड मेरे पास आज एक क्लिप्स है, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता था। सबने यही बोल दिया था कि यार ये बाइकर की गलती है, ये स्पीड में था, इसने आके ठोक दिया एंड ही इज ड्रंक। उधर के लोग बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे एंड बस यही मेरे कानों पे आ रहा था कि इसको मारो इसको मारो इसको मारो। भाई हम सुपर बाइक्स चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसा अगर एक्सीडेंट होगा तो आप लोग हमें ही दोषी ठहराओ और हमें ही आप मारने की कोशिश करो। ठीक है, वो आपके गांव के थे मानता हूं मैं, बट आप एक बार क्लिप देखना, आप ही कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हुआ और किसकी गलती है क्या है। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा थी कंपेरेटिव, 110 के आसपास मेरी स्पीड थी, बट स्टिल उन्होंने क्रॉस करने के पहले देखना ज़रूरी था कि कोई वहाँ से बाइक आ रही है या नहीं। एंड इनफैक्ट मैंने उनको हॉर्न भी दिया था, तो अब इससे ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं गाइस। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं रहता है ना कि एकदम से वो लेफ्ट में जो बंदा है वो बिना देखे डायरेक्टली बीच में आ जाएगा, वो भी हाईवे पे। सो ये सब हुआ गाइस, और उसके बाद में क्या हुआ कि इतनी पब्लिक जमा हो गई थी ना, जब सलमान भाई और मुस्तकीम भाई आए तो वो टाइम पे ऐसा हुआ कि उन्होंने उनकी भी बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी, उनकी भी बाइक के ऊपर वो लोग आके बोलने लगे कि अब ये भी बाइक इधर से नहीं जाएगी। एंड जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरी बाइक कहाँ है, किधर है, क्या है, और तब तक ट्रस्ट मी बहुत ही ग्रुप्स में मेरे बाइक के फोटोज स्प्रेड हो चुके थे, मुझे यहाँ वहाँ से कॉल आने लग गए थे। एंड जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वो गांव वाले जो थे वो तो तैयार ही नहीं थे कुछ सुनने के लिए, उनका तो बस यही था कि भाई आप अभी पैसे दो, ये करो वो करो एंड तब तक हम आपकी बाइक नहीं छोड़ेंगे। आप सोच सकते हो कि मेरी हालत क्या होगी वो टाइम पे, कि यार मेरी बाइक उधर गिरी पड़ी है, पता नहीं मुझे मेरी बाइक का क्या हालत है, क्या टूटा है क्या नहीं, मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, मुझे वहाँ के लोगों ने मैन हैंडल किया, क्या बोलूँ मैं। बट उधर एक अंकल थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, अगर अंकल आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा दिल से आपको शुक्रिया है। वो अंकल अकेले ऐसे थे जिन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के रखा था और वो किसी को भी मुझे हाथ लगाने नहीं दे रहे थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू सलमान भाई, मुस्तकीम भाई और जितने भी मेरे साथ के राइडर्स थे, सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बट बस दुख इस बात का है कि वो जो लोग थे उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ, बस टूट पड़े। एंड दैट इज़ वेरी सैड आई थिंक, कि ऐसा जब होता है ना तो लोग सुनने समझने के इसमें नहीं रहते हैं एंड बस एक डिसीजन दे देते हैं कि भाई इसकी ही गलती है और इसको मारो, दैट इज़ सो रॉन्ग। ठीक है, जो भी हुआ, देन उधर से मैं निकला एंड और ज़्यादा मुझे गुस्सा कब आया कि उन्होंने मेरी बाइक नहीं छोड़ी, उन्होंने मेरी बाइक पकड़ के रखी, उन्होंने मेरी बाइक गांव में लेके गए। आप सोच सकते हो कि यार वो बाइक, मतलब बुलेट के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, बुलेट आती है अराउंड अराउंड 2 लैक्स एंड कावासाकी ZX10R गोज अप टू 20 लैक्स। तो सोच सकते हो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा कि मेरी बाइक कैसी है क्या है, मेरे बाइक के साथ वो लोग क्या करेंगे। अगर वो लोग मुझे मार सकते थे तो यार मेरे बाइक को तो वो छोड़ते ही नहीं थे, तो वो सब मेरे माइंड में सब प्रेशर चल रहा था। बट लकीली मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हुई एंड मुझे बाइक्स के फोटोज़ वगैरह दिखाए एंड अगले दिन आप देखना मैं जाके उनकी भी बाइक और मेरी भी बाइक, दोनों की बाइक हम उधर से लेके आए, दोनों की बाइक हमने कंपनीज में दे दी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। एंड आज आफ्टर 2 मंथ्स ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फाइनली अभी 1-2 दिन में बाइक भी आने वाली है तो उसका भी ब्लॉग आपको ज़रूर दिखेगा। और ये फ्रेम के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैंने बाइक लाई, कैसे मैंने बाइक को लोड किया पूना के लिए, क्योंकि कैसे है ना कि संभाजी नगर में कावासाकी का शोरूम नहीं है, तो इधर तो वो बाइक रिपेयर नहीं हो सकती थी, तो मुझे भेजना ही पड़ने वाला था पुणे के लिए। एक भाई है अपने आनंद भाई, जिनकी एक टेनर है आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, उनको मैंने फ़ोन किया था, उनके हेल्प से उनके जानकार एक टेम्पो वाले है जो सुपर बाइक्स में ही डील करते हैं, तो वो आए, उन्होंने बाइक पिक करी एंड बाइक गई पुणे। सो वो सब वीडियोज़ देखो आप। एंड देखो ये जो एक्सीडेंट हुआ ना गाइस, मैं हर बार जैकेट लेके जाता था
राइडिंग जैकेट मेरे दोस्त का मैं मांग के लेके जाता था, क्योंकि मैंने अभी तक दो बार राइडिंग जैकेट मंगाया बट मुझे फिट नहीं आए, तो इसके लिए मुझे हर बार मेरे दोस्त का ही जैकेट लेके जाना पड़ता था। बट एट दैट मोमेंट उस दिन मुझे ऐसा लगा यार कि क्या बार बार मैं किसी को जैकेट मांगू, तो उस दिन मैंने जैकेट नहीं पहना था और देखो उस दिन ही ये सब हो गया। बट लकीली जिस हिसाब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिस हिसाब से मेरी बाइक का डैमेज है, किसी को नहीं लगेगा कि मुझे कुछ भी उतना डैमेज नहीं हुआ। लकीली आई वॉज नॉट दैट सीरियसली इंजर्ड। मेरा अगर आप हेलमेट देखोगे, मैं हेलमेट का फोटो डाल दूंगा, तो हेलमेट पीछे से आगे तक स्क्रैच्ड है। अगर हेलमेट नहीं होता ना गाइस, तो वो जो स्क्रैचेस होते थे, वो जो मार्क्स होते थे, वो मेरे फेस पे होते थे। तो राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर्स, हेलमेट इज वेरी नेसेसरी। एंड हेलमेट भी अच्छे क्वालिटी का लेना, क्योंकि हेलमेट ही ऐसी चीज है जो आपको एक्सीडेंट में बचाएगी। एंड अगर आप राइडिंग गियर्स ले सकते हो तो वेल एंड गुड। आई होप कि ये एक्सपीरियंस बाकी आप में से किसी को भी ना हो। इसके लिए मैं एक शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड जब एक्सीडेंट होता है तो क्या सब होता है गाइस। सो ठीक है, अभी आप आगे के कुछ क्लिप्स देखो जो मैंने पुनः अपनी बाइक भेजी थी। एंड देन ये व्लॉग को एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, बाय। तो अभी टेम्पो मंगाया है, टेम्पो में लोड करेंगे बाइक और भेजेंगे उसको पुणे। और अभी फिलहाल मेरे साथ है भावेश एंड आशुतोष भी आ रहा है, क्योंकि मैं बाइक को नहीं हिला सकता हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर में जो इंजुरी है उसकी वजह से मैं ज़्यादा लोड नहीं दे सकता हूँ शोल्डर पे। तो अभी इसको लोड करेंगे एंड भेजेंगे पुणे। एंड देन पता नहीं कितने मंथ्स लगेंगे आप इसको ठीक होने के लिए, बट देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी दर्द हो रहा है मेरे को, दुख हो रहा है ये सब देख के कि अभी बाइक जा रही है और अभी कुछ दिन अपने पास बाइक नहीं रहेगी। तो ये आ गई वैन, अब ये वैन में लोड करेंगे अपनी बाइक को। थोड़ा ये साइड वाला जो फेरिंग है ना उसको उठाना पड़ेगा। तो ये चढ़ गई बाइक। तो फाइनली गाइस ऐसी कुछ हमने टाई अप की है बाइक को, सो सामने से और ये हैंडल के पास भी, सो आई डोंट थिंक कि ये हिलेगी ज़्यादा, तो कुछ भी नहीं। एंड इधर रियर टायर के पास भी किया है। सो फाइनली क्लोजिंग द डोर्स, मिलते हैं अभी वापस से, बाय बाय, होप टू सी यू इन अ गुड कंडीशन वापस से। ओके चलो जाओ, आराम से जाओ, फाइनली गोइंग।